लोकसभा चुनाव के लिए थमी महंगाई ने अपनी बाहें खोलनी शुरू कर दी है। केंद्र में सरकार बनने के बाद महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में जाहिर है कि इसका बोझ आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी और ऑटो के किराए भी बढ़ जाएंगे। दरअसल सीएनजी के दाम में प्रति किलो 1.5 रुपए की वृद्धि के बाद अब ऑटो रिक्शा यूनियन ने भी किराए बढ़ाए जाने की मांग की है, जबकि टैक्सी यूनियन भी जल्द ही किराए बढ़ाने को लेकर फैसला ले सकती है। और जैसे ही ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ेगा, 2 रुपए की बढ़ोतरी किराए में हो जाएगी। ऑटो रिक्शा चालकों की मांग है कि सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाए जाने के बाद शुरुआती किराया 23 रुपए के बजाय 25 रुपए किए जाएं। इसके बाद प्रति किलोमीटर रनिंग किराया 15 रुपए 33 पैसे के बजाय 16 रुपए 99 पैसे किया जाए। ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़त के कारण ऑटो रिक्शा चालकों को हर दिन 150 रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है, यानी हर दिन काफी नुकसान हो रहा है। उधर टैक्सी यूनियन का भी कहना है कि सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने के बाद अब बेसिक किराए को 28 रुपए से 30 रुपए किया जाना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक किराए में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव दिया गया है, बाद में इस पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले 2022 में किराए में बढ़त की गई थी, उस समय ऑटो के किराए में 2 रुपए और टैक्सी के बेसिक किराए में 3 रुपए बढ़ाए गए थे। अब 8 जुलाई को सीएनजी के दाम बढ़े हैं। मुंबई में 1 किलो सीएनजी का दाम 75 रुपए कर दिया गया है। अगर किराया बढ़ता है तो हर दिन ऑटो और टैक्सी से सफर करने वाले आम लोगों की जेबों पर असर पड़ेगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।